सभी किसान मित्रों को कृषि जागरण की तरफ से मैं फार्मर डी जर्नलिस्ट राज सिंह आपका स्वागत करता हूं। किसान मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रो ट्रे में आप सब्जियों की नर्सरी कैसे तैयार कर सकते हैं तथा इस ट्रे में क्या बेनिफिट होते हैं अगर हम सामान नर्सरी की तुलना में इस ट्रे में अगर हम नर्सरी अपनी पौध को रेडी करते हैं तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और जुड़े रहिए प्रो ट्रे में नर्सरी को रेडी करने की पूरी विधि A to Z विधि आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को अपने किसान मित्रों के साथ में अवश्य शेयर कीजिएगा। चलते मैं वीडियो शुरू करता हूँ, आपको A to Z जानकारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में यानी इसके फायदे के बारे में, यानी प्रो ट्रे में अगर आप नर्सरी रेडी करते हैं तो क्या इसके फायदे होते हैं। सबसे फायदा ये है कि इस ट्रे में तैयार करने में आपकी लागत कम आती है, साथ ही बीज का अंकुरण समान रूप से होता है जिससे बीज की खराबी भी नहीं होती, क्योंकि सब्जियों के जो वेजिटेबल के जो सीड हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं, इस वजह से बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। दूसरी बात यह है कि इस ट्रे में रेडी करने के लिए किसी भी प्रकार की खरपतवार इसमें इस ट्रे में नहीं उगते हैं, तो ये इसका बेनिफिट हो जाता है। साथ ही इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह इसको आप ले जा सकते हैं, ये इसकी तीसरा बेनिफिट आपका होता है। तो ये जो ट्रे होती है, ये मेरे पास अभी 98 इसके खांचे हैं, ये अलग अलग आकार में आती है, अलग अलग साइज में आती है। आपके एरिया में किस टाइप की अवेलेबल है ट्रे, उस चीज़ की आप अवेलेबिलिटी वहाँ पे देख सकते हो। साथ ही इसमें लगने वाली कुछ सामग्री हैं, जैसे कि आपके पास ये कोकोपीट होनी चाहिए, इसके बाद में आपके पास वर्मी कोलाइट और परलाइट होनी चाहिए, साथ में आप उसमें वर्मी कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हो, और आपके पास प्रो ट्रे होनी चाहिए। सबसे पहला मेथड अपनाइए, ये कोकोपीट आपकी सूखी कोकोपीट होगी, इस कोकोपीट को आप तोड़ के पानी में करीब 4 से 4 घंटे तक इसको भिगो तक रख दीजिए। भिगोने के बाद में आप इस कोकोपीट को बाहर निकालकर कुछ समय के लिए इसको सूखने के लिए डाल दीजिए, जिससे ये भुरभुरी टाइप की आपकी कोकोपीट रेडी हो जाए। इसके बाद में आप इसका जो माध्यम रखते हैं, जो मीडिया बनता है, वो इसका अनुपात होता है, यानी आपको 3 भाग कोकोपीट, 1 भाग वर्मिकोलाइट और एक भाग परलाइट आपको लेना होता है। उसी के साथ में आप वर्मी कंपोस्ट का भी उपयोग आप कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको मिक्सर बना रहा हूँ। इसके बाद में जब आपका मिक्सर रेडी हो जाए तो इस मिक्सर को आप प्रो ट्रे में बनना स्टार्ट कर सकते हो। ये इसके बाद का प्रोसेस है। जब ये मिक्सर आपका अच्छे से सभी खांचों में फिल हो जाए तो आप इसकी लेबलिंग अच्छे प्रकार से इसे कर दीजिए। इसके बाद में आगे के प्रोसेस, जब आप कई फिल हो जाए, लेबलिंग आप इसमें कर दीजिए। इसके बाद में आपको हर छेद में आप उंगली या किसी भी लकड़ी की सहायता से इसमें उंगली के आकार के यहाँ पे छेद आप कर दीजिए, जिससे बीज एक समान रूप से यहाँ पे लगाया जा सके। इसके बाद एक एक बीज करके आप हर एक बॉक्स में आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, डाल सकते हो। जब यहाँ एक एक बीज आपके सारे पड़ जाएंगे, इसके बाद में जो बची कोकोपीट है इसके ऊपर से आप यहाँ पे डाल दीजिए, इसको ढक दीजिए और लेबल करने के बाद में इसको आप छोड़ दीजिए, जो आपके सारे से फिल हो जाएंगे। इसके बाद में इसमें हल्के से फवारे की सहायता से हल्की सी इसमें इरिगेशन कर दीजिए, पानी के बहुत छाट के रूम में इसमें डाल दीजिए। अब इसको आप कहीं भी एक अच्छी ऊंची उचित स्थान पर रख दीजिए, जहाँ से हल्की धूप भी आए और हल्की छाया भी इसमें पर्याप्त रहे। आपकी 1 सप्ताह में ये पौध जो है आपकी जमकर रेडी हो जाएगी, और आगे का प्रोसेस जो है वो अगले वीडियो में बताएंगे कि इसकी देखभाल आप आगे कैसे करने वाले हैं। तो ये थी पूरी डिटेल प्रो ट्रे में पौध को कैसे रेडी करते हैं, तैयार करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए किसान मित्रों तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने अन्य किसान मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।